Hello, good morning students. How are you fine? Today I am going to teach your subject grammar standard first. Okay? सब अपनी ग्रामर की टेक्सटबुक ओपन करेंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 20. कौन सा लेसन नंबर? लेसन नंबर 20. क्या है? रीडिंग कंपैरिजन. क्या है? रीडिंग कंपैरिजन. ये क्या है? यहाँ पे पिक्चर दी गई है और उसके बाद स्टोरी है. वो स्टोरी हमको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर हमको फिलअप करने हैं. ओके, तो सब अपनी बुक ओपन करेंगे. हम पैराग्राफ रीडिंग करते हैं. ओके, लेसन नंबर 20. देखो क्या है फर्स्ट, कि वंस देयर वाज अ माउस कॉल्ड स्मार्टी. क्या बोल रहे हैं? एक माउस था, उसका नाम क्या था? स्मार्टी. इट रन इन द हाउस फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर. वो एक घर में एक कोने से दूसरी जगह दौड़ता था. अ कैट कॉल्ड पुसी आल्सो लिव्ड इन द हाउस. एक बिल्ली थी जिसका नाम पुसी था, वो भी वहां पे रहती थी वही घर में. इट चेज्ड द स्मार्टी बट क्लाउड नॉट एज ही. वो क्या करना चाहती थी? कैट स्मार्टी को खाना चाहती थी, पर स्मार्टी हाथ में आता नहीं था. वन डे स्मार्टी फाउंड अ टॉय माउस. एक दिन स्मार्टी को एक टॉय माउस मिला. ओके, इट पुल्ड द टॉय माउस इनटू द होल. स्मार्टी ने क्या किया? वो जो उसको खिलौना मिला था माउस का, वो खिलौना उसने उस होल में रख दिया. इट कीप द टेल ऑफ द टॉय माउस आउट ऑफ द होल. वो जो टॉय माउस था उसका होल के बाहर उसने उसकी पूंछ मतलब इस तरह का होल बना हुआ था. ओके, तो इस तरह से उसकी जो ये पूंछ थी इस तरह से उसने बाहर रखी थी. ओके, फिर क्या है? इट कीप द टेल ऑफ द टॉय माउस आउट ऑफ द होल. होल के बाहर उसकी पूंछ थी. When Pussy came, फिर Pussy आई. It pulled the toy mouse out. उसने क्या किया? जो वो toy mouse रखा हुआ था Smarty ने, फिर Pussy ने उसको खींचा. She caged it within the her teeth. फिर वो अपने दांतों के बीच में उसको लेके गई. As she tried to chop it up, her jaws bleeded. क्या हुआ कि पुशी ने वो जो माउस उसने पकड़ा था टॉय माउस उसको चबाना चाहा, खाना चाहा, पर वो चबा नहीं पाए. पुशी लेट इट एंड क्राइड. पुशी के जो दांत थे जंग उसमें उसको चोट लगी. फिर उसने उसको रोने लगी और उसको फेंक दिया. स्मार्टी लाफ्ड लाउडली फ्रॉम द होल. स्मार्टी ये सब देख के होल के अंदर जोर से हंसने लगा. ओके, समझ में आया? ये स्टोरी में एक चूहा है और एक बिल्ली है. ठीक है, बिल्ली और चूहा दोनों एक ही घर में रहते हैं, जिसका स्मार्टी नाम किसका है? चूहे का. और उसी नाम किसका है? बिल्ली का. ओके, तो बिल्ली चूहे को खाना चाहती है, इसके बारे में स्टोरी है. अब देखो इसमें क्वेश्चन आंसर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द माउस. माउस का नाम क्या है? स्मार्टी. क्या नाम है? स्मार्टी. ओके, मैं आंसर लिख रही हूँ. आंसर वन, द नेम ऑफ द माउस वॉज स्मार्टी. द नेम the hole.
He numbered her. What did the cat do? He cat ne kya kiya tha? The cat pulled the toy mouse out and caught it between her teeth. जब बिल्ली ने देखा कि भाई वहाँ पर माउस है, तो बिल्ली ने क्या कहा? कि उसको वहाँ से खींचा, अपने दांतों के बीच में चबा के उसको ले गई. ओके? देखो. The cat pulled the toy mouse out and number 5. Who laughed at the cake? Cake के ऊपर कौन हंस रहा था? तो Smarty. कौन हंस रहा था? Smarty. number 6. How was Smarty really smart? मतलब क्या बोल रहे हैं कि how? कैसे Smarty real में smart निकला? कि Smarty made fool of the cake. क्योंकि उसने केक को मूर्ख बनाया, इसके लिए स्मार्टी रियल स्मार्ट निकला. ओके? क्या स्मार्टी मेड फूल ऑफ द केक? ओके, देखो फर्स्ट हमने क्या देखा क्वेश्चन आंसर कि चूहे का नाम क्या था. तो द नेम ऑफ द माउस वाज स्मार्टी. माउस का नाम क्या था? स्मार्टी. ओके. फिर नंबर 2. व्हाट डिड द माउस पुल इनटू द होल. माउस ने उसके होल के अंदर क्या रखा? तो द माउस पुल्ड अ टॉय माउस इनटू द होल. ओके, व्हाट डिड द कैट डू? फिर कैट ने क्या किया था? द कैट पुल्ड द टॉय माउस आउट एंड कैट इट बिटवीन हर टीथ. ओके, नंबर 4. कैट व्हाट हैपेंड टू द कैट्स जम्स? कैट के जम्स को क्या हुआ? द कैट्स जम्स ब्लीडेड. ओके, नंबर 5. Who laughed at the cake? Cat के ऊपर कौन हंस रहा था? चूहा. तो Smarty laughed at the cake. ओके? How was Smarty really smart? तो Smarty made fool of the cake. ओके? ये स्टोरी यहाँ पे पूरी हुई. इसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं. अब देखो बी. इसमें क्या है? इसमें चूहे और लायन की स्टोरी है. ओके? वो स्टोरी अभी हम रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर फिलअप करेंगे. क्या है? देखो, एक लायन और चूहे की कहानी है. अ लायन वाज स्लीपिंग
under a tree. Lion कहाँ सोया था? पेड़ के नीचे. Suddenly a tiny mouse ran over him. Suddenly अचानक एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर से कूद के गया. फिर देखो, I will beat you up for disturbing me. Lion क्या बोल रहा है कि मैं तुझे खा जाऊंगा क्योंकि तूने मुझे डिस्टर्ब किया. फिर देखो चूहा क्या बोल रहा है. Please will you let me go? चूहा क्या बोल रहा है? Please मुझे जाने दो. I will help you sometime. मैं तुम्हें कभी मदद कर दूंगा. फिर देखो लायन क्या बोल रहा है. How will you help me? टिनी माउस. लायन क्या बोल रहा है कि तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो छोटे चूहे. तो चूहा क्या बोला? In some small way. कि इन सब कभी भी छोटी कोई मदद. ओके, फिर लायन ने क्या कहा? फाइन गो नाउ. लायन ने कहा अच्छा अभी जाओ. फिर देखो देन वन डे. फिर कभी एक दिन. देखो ये लायन अभी ये जाल में फंस गया. फिर देखो लायन ये जाल में फंस गया है तो लायन क्या बोल रहा है? आई ए के इन दिस नेट. व्हाट कैन आई डू गो आउट ऑफ द नेट. लायन क्या बोल रहा है कि मैं ये नेट में फंस गया हूँ फिर क्या तुम मुझे इस नेट से बाहर निकाल सकते हो. फिर देखो लायन बोल रहा है कैन यू हेल्प मी. लायन बोल रहा है चूहे को तुम मेरी मदद करोगे. दोस्त ने चूहे ने क्या कहा? आई कैन कट द नेट. मैं नेट कट कर सकता हूँ. फिर देखो याद है द माउस कट द नेट. ये नेट माउस कट कर रहा है. फिर नेट कट होने के बाद लायन नेट में से बाहर आ गया. फिर वो दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए. ओके, फिर देखो अभी इसके क्वेश्चन आंसर कि वेयर डिड द माउस रन. माउस कहाँ रन कर रहा था? तो द माउस रन ओवर द लायन. कि माउस लायन के ऊपर से रन कर रहा था. फिर देखो What did the mouse say to the lion? फिर लायन ने माउस क्या बोल रहा है लायन को? फिर the mouse said to the lion that it will help the lion sometime. Okay? यहाँ पे हमारी स्टोरी ए और बी यहाँ पे कंप्लीट होती है. इसके क्वेश्चन आंसर आपको इसके आंसर आपको फिलअप करने हैं. अब देखो लेसन नंबर 21 कंपोजिशन क्या है. लेसन नंबर 21 कंपोजिशन. ओके, कंपोजिशन है ये हमको लिखना है. फर्स्ट क्या है? ए. Describe your friend Tom using the given words. Tom के बारे में है वो अपने friend को Tom को लिख रहा है. Okay? देखो Tom क्या बोल रहा है कि Tom is my friend. Tom is my friend. Okay? Tom मेरा friend है. Number two, he is कितने years old है? 6 years old. फिर क्या है number third, his face is small and round. Tom का face कैसा है? Small और
नंबर 5 टॉम इज हेल्पफुल टू एवरीवन। टॉम कैसा है? सबको मदद नीचे वो सबको मदद करता है। तो टॉम इज हेल्पफुल। उसके बाद नंबर 6 ही राइट्स नीटली। टॉम की राइटिंग कैसी है? नीटली, साफ सुथरी, वो अच्छे से लिखता है। नंबर 7 ही ड्रॉ वेल। टॉम की ड्रॉइंग कैसी है? अच्छी, वो ड्रॉइंग अच्छी करता है। ये किसके बारे में था? टॉम के बारे में। देखो कॉम्पोजिशन, फर्स्ट सेंटेंस टॉम इज माय फ्रेंड, नंबर सेकंड ही इज 6 इयर्स ओल्ड, ओके। नंबर थर्ड हिज फेस इज स्मॉल एंड राउंड। फिर नंबर फोर ही हैज ब्लू आईज। नंबर फाइव टॉम इज हेल्पफुल टू एवरी वन। नंबर 6 ही राइट्स नीटली। नंबर 7 ही ड्रॉस वेल, ओके। फिर नंबर बी के डिस्क्राइब योर पेट खुशी यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमको खुशी पेट के बारे में लिखना है, ओके। देखो नंबर 1 माय पेट इज अ किटन। मेरी पेट कौन है? पालतू किटन, मतलब बिल्ली का बच्चा। माय पेट इज अ किटन। फिर नंबर 2 इट्स नेम इज पुसी। उसका नाम क्या है? पुसी। नंबर 3 इट इज वाइट इन कलर। किटन का कलर कैसा है? वाइट। नंबर 4 इट हैज फर ऑन इट्स बॉडी। नंबर 5 इट्स म्याम। कैसे बोलती है? म्याम। नंबर 6 इट कैन जंप फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। इट कैन जंप फ्रॉम one corner to वो एक कोने से दूसरे कोने पे जंप लगाती है। नंबर 7 इट लव्स टू ड्रिंक मिल्क। उसे मिल्क पीना पसंद है। नंबर 8 आई लव टू प्ले विद हिम। मुझे उसके साथ खेलना पसंद है। देखो फर्स्ट हमने कॉम्पो लिखा फ्रेंड के बारे में,
बनाने में ओके हम रीड करते हैं कि माय पेट इज अ किटन मेरा पालतू क्या है किटन मतलब बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं किटन उसका नाम क्या है पुसी उसका कलर कैसा है व्हाइट उसकी बॉडी भी क्या है पुअर वो कैसे बोलती है म्याऊ वो एक कोने से दूसरे कोने पर जंप लगाती है ओके उसको दूध पीना पसंद है और मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है ओके एक बार देखो रीड करेंगे माय पेट इज अ किटन इट्स नेम इज पुसी इट इज वाइट इन कलर इट हैज फर ऑन इट्स बॉडी नंबर 5 इट्स म्याऊ नंबर 6 इट कैन जंप फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर नंबर 7 इट लव्स टू ड्रिंक मिल्क नंबर 8 आई लव टू प्ले विथ हिम ओके इसी तरह आपको एलिफेंट का और फॉक्स का कॉम्बो लिखना है ऊपर ब्रैकेट दिए गए हैं ओके ब्रैकेट के अंदर उसके वर्ड्स है उनकी मदद से आपको ये नंबर सी और नंबर डी कंप्लीट करना है नंबर सी और डी आपको होमवर्क में करना है ओके यहाँ पे हमारा लेक्चर पूरा होता है थैंक यू बाय